You are not checked by your performances. You are checked by how you handled failures. Fortune 500 के बारे में तो आपने सबने सुना है ना, Fortune 500 companies, उसमें से कहीं CEOs को मैं मिला हूं, National International Seminars में हम मंच पे साथ में रहे हैं, अभी दो साल पहले शिव खेरा और हम लोग साथ में थे, बहुत अच्छी बातचीत वार्तालाप हम मंच पे बैठे तब हुआ था। बड़े बड़े CEOs को मैंने पूछा है, मल्टीनेशनल कंपनीज के CEOs को, कि द पर्सन टू हुम यू आर पेइंग मोर देन 10 करोड़ रुपीज पर एनम इन सैलरी, व्हाट डू यू आस्क देम इन देयर इंटरव्यूज। तो एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ ने मुझे पूछा था कि स्वामी दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम आस्क दिस, कभी हमने ये नहीं सोचा था। मैंने बोला कि क्योंकि कहीं एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी एनुअल तनख्वाह है 50 करोड़ 100 करोड़। मैं जागृत अवस्था में बोल रहा हूं, ये बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है। इंफोसिस नहीं, इंडियन कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है। एलिसन उनका सीईओ है, एलिसन ओरेकल, ओरेकल कंपनी है। आप नेट पे जाके ओरेकल खोलना, एलिसन नाम डालना और उनकी तनख्वाह आप देखना। पिछले 5 साल की उनकी एवरेज तनख्वाह है $400 मिलियन पर ईयर। साइलेंस। $400 मिलियन, $1 मिलियन मतलब 65 करोड़ गिन लो, चलो राउंड फिगर 70 करोड़ गिन लो। $1 मिलियन इज, दैट इज $10 लाख इज 7 करोड़ रुपीज। सो 400 मिलियन इज 2800 करोड़ रुपीज पर एनम सैलरी। अब देख लेना, मैं नाम देता हूं, एलिसन ELLISON इज द सीईओ ऑफ ओरेकल। अब नाम देख लेना, अभी परसों ही आपने सुना होगा सुंदर पिचाई का, गूगल के सीईओ, पर डे की सैलरी 3.5 करोड़। परसों ही न्यूज थे, हाँ 2 दिन पहले न्यूज थे, इन द प्रिंट मीडिया इट इज टुडे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2 दिन पहले आ गए थे ब्रेकिंग न्यूज में। लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर की पूरी सैलरी उनकी 1285 करोड़ थी, टू बी एग्जैक्ट 1285.5 करोड़। मतलब रोज की तनख्वाह 3.5 करोड़ की। सुंदर पिचाई, गूगल के सीईओ, अब देख लेना। मैंने इनको पूछा, इनकी एमएनसी की टर्नओवर थी 2.5 लाख करोड़ की, हम दिल्ली में एक फंक्शन में साथ में थे, मंच पे बैठे थे। मैंने उनको पूछा कि दोज एग्जीक्यूटिव्स हुम यू पे मोर देन 10 करोड़ और 25 करोड़, उनको इंटरव्यू में आप पूछते क्या हो, क्योंकि उनके पास डिग्रीज तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ही इज अ डबल MBA फ्रॉम LSE और हार्वर्ड, एकेडमिक्स तो पूछना नहीं है। इतनी बड़ी तनख्वाह देते हो तो वो 10-15 साल का अनुभव तो है उसको, 10-15 साल में उसने 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ मैनेज किए हैं, हर साल टर्नओवर किया है, ऐसी कंपनीज में ही बड़ी बड़ी पोजीशंस में वे रहे हैं। तो उनको नेटवर्किंग में पूछना नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन में पूछना नहीं है, HR में पूछना नहीं है, मैनेजमेंट में पूछना नहीं है, ग्रोथ के बारे में आपकी क्या सोच है वो पूछना नहीं है। आप पूछते क्या हो उनको इंटरव्यू में। उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई कि स्वामी जी, इन कक्षा के लोगों को जिनको हम ये प्रकार की तनख्वाह देते हैं, उनको इंटरव्यू में एक ही प्रश्न पूछते। आई वॉज लाइक वेरी सरप्राइज्ड। मैंने बोला एक ही प्रश्न पूछते हो कहा, और उनका उत्तर वे 20-25 मिनट तक देते हैं, तभी उत्तर पूरा बनता है। दैट वॉज मोर सरप्राइजिंग। आई सेड व्हाट डू यू आस्क, ही सेड हम एक ही प्रश्न पूछते और ये पूछते हैं, डिस्क्राइब अ बिग फेलियर इन योर लाइफ एंड हाउ डिड यू हैंडल इट। प्रश्न क्या पूछते हैं इन कक्षा के लोगों को, डिस्क्राइब अ बिग फेलियर इन योर लाइफ। आपके परफॉर्मेंस के बारे में मैं कुछ पूछना नहीं है कि मैं पहली कंपनी में था वहां 200% सेल बढ़ा दिया, दूसरी कंपनी में था वहां 500% ग्रोथ कर दिया, वो हमें नहीं सुनना है। वो था आप लोग सब जो यहां बैठे हो, जो इंटरव्यू वाले देने आए हो, जिनको हम ये तनख्वाह देने वाले, सबके पास ऐसी ऐसी परफॉर्मेंस स्टोरीज है, ये कॉमन है, ये हमको नहीं पूछना है। पूछना क्या है, डिस्क्राइब अ बिग फेलियर ऑफ योर लाइफ एंड हाउ डिड यू हैंडल इट। सिंपल। परफॉर्मेंस से आपका कैलिबर का टेस्टिंग नहीं होता, वो तो किसी को भी चांस मिल जाता है,
प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो कूद लेता है. हाउ डिड यू हैंडल फेलियर? हाउ डिड यू हैंडल अ सेटबैक? हाउ डिड यू हैंडल अ फॉल इन योर लाइफ? दैट इज इंपॉर्टेंट. क्योंकि अब रूटीन में जब हमारी अगर आप हमें अगर हमने आपको हायर कर लिया, रूटीन में हमारी कंपनी चलती होगी तो आप तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने वाले हो, लेकिन कंपनी में अगर बड़ी आफत आ गई तो आप क्या करोगे वो बताओ. बाकी तो आपकी जगह और कोई भी कंपनी चला जाएगा. इजंट इट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? उसमें वो मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ ने मुझे बताया कि स्वामी इसके उत्तर में उसको 20-25 मिनट हम देते हैं और उसमें भी हम ये जांच करते हैं कि किस प्रकार के विचार और प्रैक्टिसेस उसने अप्लाई किए वो साइड में रखते हैं, किस प्रकार के एटीट्यूड्स उसने उस वक्त रखे उस पे हम गौर रखते हैं. व्हाट वी सी इन हिज आंसर इज नॉट व्हाट ही थॉट ड्यूरिंग फेलियर, नॉट प्रैक्टिकल्स व्हाट ही अप्लाइड टू कम आउट ऑफ दैट फेलियर. व्हाट वी सी इज व्हाट टाइप ऑफ एटीट्यूड ही केप्ट व्हेन ही वाज अ फेलियर, व्हेन ही मेट फेलियर इन हिज लाइफ. तो महान लोग ये परिस्थिति में इस प्रकार का एटीट्यूड रखते हैं. तो इसमें यह बात आती है गम खाने की. यह बहुत बड़ा विचार जो प्रमुख स्वामी महाराज ने दिया उसमें कई प्रकार के ऐसे अर्थ आ जाते हैं. दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ लाइफ. हाउ डू हैंडल फेलियर्स? फेलियर हैंडल में सिर्फ आपका एटीट्यूड, एक ही शस्त्र आपके पास रहता है. हां, ऐसी परिस्थितियां जीवन में आएगी जब आपके मोबाइल नंबर में 400 फोन होंगे, किसको फोन करूं वो तकलीफ में आ जाएंगे आप. इवन इफ यू आर द सहारा ऑफ थाउजेंड्स ऑफ होम्स व्हेन यू आर लाइंग बेसहारा इन तिहार फॉर 4 इयर्स, किसको फोन करूं? उनके मन में भी दिक्कत होगी ना कि अभी 4 साल से 10,000 करोड़ के रुपए के व्यक्ति तिहार में है, किसको फोन करते होंगे वो? मोबाइल में तो होंगे 1,000 से ज्यादा नंबर. आपके सिटी के, बैंगलोर के किंग ऑफ द स्काईज जब भारत छोड़ना पड़ा तब भारत का पासपोर्ट नहीं यूज कर पाए, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे भाग गए ना. अभी वापस लाने की सब प्लानिंग चल रही है. आएंगे शायद, और अगर मुंह खोलेंगे बड़े बड़े तकलीफ में आने वाले हैं. तो फेलियर्स जब आते हैं तब एटीट्यूड किस प्रकार का रखते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. ब्लेम गेम चालू हो जाती है. तो यह व्यक्तिगत जीवन में. तीसरा एक बात कार्य दृष्टि से कि कर्म करना हमारा अधिकार है, फल पे हमारा अधिकार नहीं है. इफ देर आर 100 things विच आर इन योर कंट्रोल दैट यू कैन इफेक्ट द एंड रिजल्ट, देर आर 1,000 factors विच आर नॉट इन योर कंट्रोल विच कैन नेगेटिवली इफेक्ट द एंड रिजल्ट. Yes or no? आपने बड़ा अच्छा धंधा चालू कर दिया लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी बदल गई तो? आपने स्टैंड का धंधा चालू कर दिया और गवर्नमेंट ने कैप रख दी, क्या करेंगे? रख दी है और कहीं कैप्स आने वाली है. मतलब देर आर 1,000s of factors विच आर नॉट इन योर कंट्रोल विच कैन एक्चुअली इफेक्ट द एंड रिजल्ट.